अवैध शराब के खिलाफ धनबाद के उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्वी टूंडी थाना अंतर्गत चुरचुड़िया पंचायत कोल कमारडी गांव में नरेश सोरेन के आवास में चल रहे अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त किया है। इस दौरान मुख्य अभियुक्त जिनके द्वारा शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा था वो भागने में कामयाब रहा, लेकिन मौके से 46 गैलन स्प्रीट, 500 लीटर अवैध शराब, पंचिंग मशीन, विभिन्न ब्रांडों के ढक्कन और रैपर सहित विभिन्न ब्रांडों के करीब 65 कार्टन शराब जब्त किए गए हैं। जानकारी देते हुए सहायक उत्पाद आयुक्त संजय मेहता ने कहा कि सूचना मिली थी कि पूर्वी टूडी क्षेत्र में नरेश सोरेन के आवास में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसमें मुख्य अभियुक्त संजय मंडल, कलियासोल, तपन मंडल, लतानी, सदानंद कुमार उर्फ छोटू साव जो कि विनोद नगर धनबाद का रहने वाला है, सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किए जाएंगे। वहीं मकान मालिक के खिलाफ भी अग्रतर कार्रवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। जब्त शराब की कीमत 8 लाख रुपए के आसपास है। हालांकि इस दौरान धंधेबाज भागने में सफल रहे, लेकिन भारी मात्रा में शराब की जब्ती की गई है। मौके से एक मोटरसाइकिल संख्या J610BH8878 को भी जब्त किया गया है। जहां पर उत्पाद विभाग ने रेड की वहां से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर जामताड़ा है। यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि उक्त शराब जामताड़ा के साथ साथ धनबाद और गिरिडीह के आसपास के इलाकों में खपाया जाता होगा। आज एक महत्वपूर्ण उत्पाद विभाग को आज एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। प्राप्त गुप्त सूचना के आलोक में SSP महोदय द्वारा दिया गया सुरक्षा बल एवं उपायुक्त महोदया के निर्देश के आलोक में पूर्वी टिंडी के एक गांव जिसका नाम है कोल कमारडी, जो पंचायत चुरूरिया पंचायत के अंतर्गत है, थाना पूर्वी टिंडी, जामताड़ा के सीमा के नज़दीक है, वहां पर नागेश्वर सोरेन के घर से भारी मात्रा में विदेशी शराब का एक मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इसका नेतृत्व झमन कुजूर निरीक्षक उत्पाद कर रहे थे एवं सहयोगी में उत्पाद अवर निरीक्षक अमित कुमार, श्वेता, जॉय हेम्ब्रम और कुलदीप कुमार साथ में थे। प्राप्त जो एग्जिबिट है, जो प्राप्ति की गई है, वो 60 पेटी IB और मैकडबल का भिस्की के प्राप्ति की गई है और अनेक प्रकार के लेबल और यह कॉर्क ढक्कन आदि की बरामदगी हुई है और तैयार किया हुआ दारू 500 लीटर एक सिंटेक्स से बरामद की गई है और 1610 लीटर स्प्रिट की बरामदगी हुई है जो 46 यह जार में है, एक पंचिंग मशीन की बरामदगी हुई है, एक मोटरसाइकिल की बरामदगी हुई है और विभिन्न ब्रांड के कैप और लेबल के बरामदगी हुई है और 40 बोरा में खाली सीसी की बरामदगी की गई है। इसके मुख्य अभियुक्त हैं संजय मंडल, पिता जोधर मंडल, कलियासोल के निवासी हैं। दूसरा है तपन मंडल, पिता शंकर मंडल, जो लटानी के निवासी हैं। तीसरा है सदानंद कुमार उर्फ छोटू साव, जो विनोद नगर धनबाद के निवासी हैं। इनके मकान मालिक जिनके यहाँ चल रहा था उनका नाम है नागेश्वर सोरेन। गिरफ्तारी किन्हीं की नहीं हुई, मौके वारदात सारे लोग फरार हो गए। इसमें दो आदमी जो है संजय मंडल और तपन मंडल, ये उत्पाद विभाग के पूर्व के भी अभियुक्त हैं। ये इनका माल है, इनका बाजार मूल्य लगभग 8 लाख रुपया है। ये सर क्या अवैध तरीका? कंप्लीट रूप से अवैध है, नजायज है। इसके सेवन से राजस्व के नुकसान के साथ साथ शारीरिक नुकसान की भी पूरी संभावना थी। इन क्षेत्रों में खपाया जाने की सर ये धनबाद, गिरिडीह और जामताड़ा में विशेष रूप से बॉर्डर एरिया में पकड़े जाने का अर्थ यही हुआ कि इन तीनों जिला में खपाए जाने की इनकी भावी योजना थी। जो लोग नहीं पकड़े गए हैं इनके विरुद्ध अनुसंधान जारी है, पकड़ के शीघ्र न्यायालय में, माननीय न्यायालय में इनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। जिनके मकान में चल रहा था, जो मकान में जिनके चल रहा था वो भी है अभियुक्त।